अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हीना रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा। इसके लिए हमने 200 ग्राम चने लिए हैं, 2 घंटे भिगाने रखे हैं। इसके बाद मैंने चनों को उबाल लिया है। कुकर में डालकर उबाल लिया है अच्छे से। एक आलू लिया है उबले हुआ, इमली का पल्प लिया है और हरा मसाला। अब मैं आलू को लेकर ये चने में काट लूँगी। इसको हम मैश करेंगे पूरा अच्छा सा। आलू और चनों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, बहुत बहुत भी नहीं, लाइट ही। ये देखिए मैंने मैश करके रखा है। अब हम पैन लेंगे, 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, अब हम इसमें एक बड़ी डली प्याज काट कर डालेंगे। इसे लाइट ब्राउन हो जब तक हम इसे हिलाएंगे, गरम करेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्ची 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला डालेंगे, इलायची, लौंग, शाहजीरा, दालचीनी, ये सब चीज़ें डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये इमली का पल्प इसमें डालेंगे। इसमें हरा मसाला डालेंगे, कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च। अब ये जो मैंने मैश करके रखा है मोटा मोटा चने, इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, जितना हमें ग्रेवी चाहिए। गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, फिर इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे धीमी आंच पर। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। बस धीमी आंच पर ही छोड़ना है इसे, खट्टा अच्छा औंटेगा और अच्छा टेस्ट आएगा सब मसालों का। बस अब इसे 5 मिनट ढककर सर्व करेंगे। थैंक यू।